नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव काफी रोचक हो गया है, जहां सपा भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं होने की वजह से क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। आलम यह है कि मऊ जिले के मधुबन विधानसभा में सपा भाजपा का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। वहीं बसपा की प्रभारी प्रत्याशी नीलम कुशवाहा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में लगी हैं। क्षेत्र में लोगों के पास अभी से जाकर प्रचार करना बसपा प्रत्याशी को बढ़त दे रहा है। मैं तो इसी विधानसभा से रहने वाली हूँ, दरगाह की रहने वाली हूँ, और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं अपने पूरी विधानसभा में सुबह 6 बजे से ही डोर टू डोर मेरा कैंपेनिंग शुरू हो जाता है। घर घर जाती हूँ मैं, हर समाज में, हर वर्ग में, हर गलियों में घर घर जाती हूँ, अपनी महिला बहनों से मिलती हूँ, अपने युवा साथियों से मिलती हूँ, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग मेरे साथ हैं। शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में रही है, और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है तो मेरा फोकस सर्वजन के लिए है। मैं सभी समाज में जाती हूँ, हर वर्ग मुझे सहयोग कर रहा है, चाहे हमारा बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित वर्ग हो, मौर्य समाज हो, पटेल समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। जिन उम्मीदों से और जिन आकांक्षाओं से उन्होंने अपना, इस विधानसभा के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई दी। जनता की आशाओं के अनुरूप यहाँ काम नहीं किया गया, और यही वजह भी रही है कि इस बार उन्हें मैदान भी छोड़ के जाना पड़ा।